हाय फराज, बाबर, इरफान, फराज टू. मुझे ये पूछना था कि आजकल अब तक जितने चैनल्स आ गए हैं तो उसके अंदर आप समझते हैं कि म्यूजिक की इतनी अवेयरनेस आ गई है, मतलब आप लोग रॉक म्यूजिक कर रहे हैं, इतनी मेहनत जो कर रहे हैं और शुरू से आप लोग चाहते थे कि मतलब रॉक ही करें और आप लोग ने सबने कमर्शियल मतलब लाइक अली हैदर के साथ आपने सेशन करा और इरफान ने भी काफी लोगों के साथ प्ले करा, तो आप लोग समझते हैं कि मतलब आप जो रॉक म्यूजिक कर रहे हैं इतनी अवेयरनेस आ गई है, लोग सुन रहे हैं? यार बेसिकली मैं बताऊँ, म्यूज़िक जो है मेरे लिए तो पैशन है. मतलब और लोगों के लिए फैशन होगा लेकिन मेरे लिए पैशन है और मैं और जो मैं करना चाहता हूँ मैं वही करता हूँ जो मेरे दिल में होता है. अब वो लोगों की मर्ज़ी है, वो सुने या ना सुने, लेकिन मेरा काम यह है कि मैं एक पेंटिंग बना के जो एक आर्टिस्ट जो है सामने रख देता अपनी एग्जीबिशन में, तो उसकी आपकी मर्ज़ी है, आप उसको खरीदना चाहें तो खरीदें, नहीं खरीदना चाहें तो छोड़ दें. आप लोग को स्ट्रगल का मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होती कोई के चांस लेंगे कि नहीं लेंगे या कॉन्सर्ट्स के लिए? हाँ, मसले तो खैर काफ़ी होते हैं लेकिन ये है कि क्योंकि अब करना ही यही है और यही म्यूज़िक स्टाइल को आगे प्रमोट करना है. अभी भी कुछ लोग हैं जिनको नहीं अच्छा लग रहा होगा यहाँ पे, लेकिन ये है कि ऐसा 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 ऐसे उनके कानों में पड़ता रहेगा म्यूज़िक, तो वो उनको अच्छा 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 लगने लगेगा. लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपना म्यूज़िक जो है वो आगे लेके जाएँ और ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने उसको. इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक. नेक्स्ट गाना कुछ है